न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आपको बता दें कि जलोन से देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जलोन पुलिस ने कई दिनों के वचित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को किया आज गिरफ्तार। आए नजर डालते एक बार पूरी खबर पर। जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा ही जनपद के वचित अपराधी ने धरपकड़ से अभियान चलाया है, जिसके तहत ही आज जलोन के औरई कोतवाली पुलिस के गैंगस्टर के मुकदमे में वचित 25,000 इनामी बदमाशों को अवैध असला के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी से पुलिस ने एक तमाचा और 315 बोरा दो जिना का सूप भी बरामद किया है। औरई कोतवाली मुखबिर द्वारा ही मिली सीटिक सूचना पर ही प्रभावी निरीक्षण औरई में हमारी फोर्स के साथ ही मोहल्ला हकलस पूरा गांव की पुलिया के पास युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने के बाद युवकों ने बताया कि रामपुरा लूट की घटना में जेल जा चुका है। तीन चामोर पूरे ही जेल से छूट कर आया था और गिरफ्तार से बचने हेतु घर पर रहता था। कोतवाली पुलिस के द्वारा क्या मामला है पूरा? हमारी जनपद की पुलिस ने जिसमें कोतवाली इंचार्ज शिव गोपाल वर्मा और हमारे सीओ रही संतोष कुमार और हमारे एडिशनल एसपी साहब के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें 25,000 का इनामी इन्होंने गिरफ्तार किया, जो कि लुटेरा भी रहा है थाना रामपुरा से। इसके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत थे। कोतवाली उरई में भी इसने चोरी के मुकदमों में जेल गया है और इस पर पहले आर्म्स एक्ट भी लगी थी और एक्ट के अंतर्गत भी थाना रामपुरा में ये वांछित चल रहा था। हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और इनको मैं 10,000 रुपये का इनाम मिला। सर कब से फरार था ये अभियुक्त? 2018 में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन